हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है भैया, आज एक मसीह, जब यीशु मसीह का आगमन होने वाला है तो अब मसीही पाप में गिरता चला जा रहा है। मेरी बात को याद रखना मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा तो आपको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ जाएगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको कोई कथा कहानी नहीं सुना रहा हूँ। ठीक है, आग की झील में डाला जाएगा उन लोगों को जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पर धनवान नबी भी मौजूद है, तड़प रहा है एक बूंद प्यास के कारण। मेरे प्रियो, अगर एक बार उस नर्क में चले गए तो हमेशा के लिए गए, वहाँ कोई दूसरा सुसमाचार नहीं सुनाया जाएगा। तब आपके सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाएंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों। तब आपको उसी अनंत काल की आग में जलना ही पड़ेगा। तब वहाँ हैया दैया मैया से कम नहीं चलेगा। उस झील में सैकड़ों आत्माएं तड़पती होंगी मेरे प्रिय भाई और बहनों। ठीक है, यीशु ने कहा था आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी, कभी ना अंत होगा। फैसला आपके हाथ में है, बताना मेरा काम है जो परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फैसला आपके हाथ में है, स्वर्ग जाना चाहते हो या नर्क जाना चाहते हो। देखिए, परमेश्वर ने आपके हाथों में चुनाव रख दिया है, जीवन या मौत किसको चुनना चाहते हो, चुनाव आपका है, फैसला भी आपका है। वचन एक जैसा है और सबके लिए है, चाहे वह मसीह पे विश्वास करता हो या अविश्वासी हो। ठीक है, यानी जाती हो, जैसा मत्ती 12:36 वचन में लिखा हुआ है, और मैं तुमसे कहता हूँ, कौन कहता है, पौलुस कह रहा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो मनुष्य निकम्मी बातें कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों ही के कारण दोषी और अपनी बातों ही के कारण निर्दोषी ठहराया जाएगा। बाइबल में स्पष्ट रूप से शिक्षा देती है, चाहे वह मसीह में विश्वास करता हो या नहीं जाती हो, जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा श्वेत सिंहासन के सामने, जो मनुष्य अपने मुंह से गालियां देते हैं, गंदी बातें निकालते हैं, एक दूसरे के लिए चुगलियां करते हैं, ठीक है, वे अपना अपना लेखा प्रभु के सामने देंगे। अभी आपके पास अवसर है, संभल जाओ और बचा लो अपने आप को नर्क जाने से। वहाँ एक या दो दिन के लिए नहीं डाला जाएगा बल्कि युगानुयुग के लिए डाला जाएगा। तैयार हो जाओ और हरा दो शैतान को। इसलिए पौलुस ने भी कहा था मेरे प्रिय भाई और बहनों कि परमेश्वर के सारे तैर बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, शैतान को वचन से हरा सको। अरे जब आप वचन पढ़ोगे ही नहीं, प्रार्थना करोगे ही नहीं, तो तुम शैतान को कैसे हरा पाओगे। शैतान को तलवार और लड़ाई करके नहीं हराया जा सकता है, सिर्फ उसको वचन से हराया जा सकता है। जब शैतान इबलीस यीशु की परीक्षा लेने आया तब शैतान को यीशु ने वचन से हराया था। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुख से निकलता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए बाइबल पढ़ो, यहाँ मसीह विरोधी के हाथ में मत पढ़ो। मेरे प्रिय, अगर यहाँ पर कोई रह जाएगा तो उसका क्या हल होगा बताता हूँ। गलती से भी यहाँ मत रह जाना। परमेश्वर के प्रकोप के दिन में 7 कटोरे उंडेले जाएंगे और 7 वर्ष में खून के आंसू रोने पड़ जाएंगे। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी मेरा बेटा बेटिया नाश में नरक जाए, परमेश्वर यह नहीं चाहता है। और इसका फायदा मत उठाना कि प्रभु अभी नहीं आएगा, और इसका फायदा मत उठाइएगा कि प्रभु के वहाँ एक वर्ष एक दिन के बराबर है। मेरे प्रिय, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे, जय मसीह की, आमीन।